हाँ जी मालगो, किसका पहला दिन है? किसका पहला दिन है? बहुत बढ़िया, शानदार। बाकी जिनका दूसरा, अच्छा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जितने लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो गए जल्दी से वीडियो को आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसा मुझे मेरी मार्केटिंग टीम ने बोला था बोलने के लिए, मैंने कर दिया। ठीक है, बहुत बकवास सा लगता है ये, पर करना पड़ता है। अच्छा जी, दूसरी बात, आई एम श्योर एकत्रम अकेडमी ने जो ये इतना बड़ा न्यूज आप सभी के साथ दिया है, ये पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक जो हम ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा फ्री करने का, आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू वुड बी हैप्पी। से यस और नो? यस, एवरी वन ऑफ यू वुड बी हैप्पी। पूरे इंडिया के लिए इतना बड़ा कदम उठाना, ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। दिखते हो या नहीं दिखते हो, पर इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, राइट? तो कल मैंने कमेंट्स भी देखा यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों ने बहुत सराहना की। मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वो जो बच्ची का सिचुएशन मुझे समझ में आया, मैं ऐसा समझता हूँ कि हम भी कभी उस सिचुएशन में थे, और ऑलमोस्ट कई बच्चा ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जो जाने अनजाने में हमसे कभी बात ही नहीं किया होगा, राइट? एंड एज अ टीचर पूरे इंडिया में हम कभी भी ये समझते हैं कि जब आप वो टीचर के पास जाकर के ये चीज़ करते हो तो टीचर ज़रूर उस चीज़ में हेल्प करता है। इस बार हमारा चांस था, हमने किया, राइट? आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक के आपको पहुंचाना है। ऐसे जो बच्चे यू नो हम तक नहीं पहुंचे, हमें उन बच्चों तक के आप लोगों को जरूर पहुंचाना है। यस मालिक, राइट? सो यस, अच्छो गुड आफ्टरनून। तो चलिए, आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज सुन ली होगी, और न्यूज सुनने के बाद, अच्छा कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं। पूरे इंडिया भर से अचानक से रश आ चुका है, ऑब्वियसली बात ये होना ही था। मैं आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ मेरे लिए एक हेल्प कर सके, प्लीज आप सभी बच्चा ऑलमोस्ट हर 50-60 बच्चे से कनेक्टेड है, एक दिन आपके सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके किसी को अगर आप एजुकेशन का गिफ्ट दे सकते हैं तो उनको जरूर दीजिए। हमारी बस इतनी सी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियो है, इसका जो कल अनाउंसमेंट मैंने की थी, इस अनाउंसमेंट को आप अगर उन तक के पहुंचा सकते हैं, और वो भी बच्चा अगर कर ले, तो एटलीस्ट उसका होगा ये कि सुबह दोपहर और शाम उसका एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइव लेक्चर देख करके। वो टाइम पास नहीं करेगा और हमारे साथ पढ़ेगा, ठीक है? चलिए, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, और आज फिर से हम टैक्स कैलकुलेशन ही करेंगे। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव फिर टैक्स कैलकुलेशन करना ही है, ठीक है? पहले रिवाइज करते हैं, बुक आप मेरे साथ खोलेंगे नहीं, क्विक रिवाइज करेंगे। आर्टिकल नंबर 265 ने हमें कहा था, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ ना मिल जाए, तब तक के ना कोई टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, ना ही कोई टैक्स क्या किया जा सकता है, लेवी किया जा सकता है। यस और नो? तो भैया अथॉरिटी कौन है इस टैक्स को लाने के लिए, इस लॉ को लाने के लिए अथॉरिटी कौन है? या तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट, याद आ रहा है आपको? अच्छा जी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स? पहला एक्ट, दूसरा नोटिफिकेशन, तीसरा सर्कुलर। क्लियर है मालिक? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक और बात कही थी, अगर आपको याद हो, डीटी के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं, जबकि आईडीटी के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई कर देते हैं। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स एंड टीडीएस कहां लिखा हुआ है? फाइनेंस एक्ट। जबकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कहां लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में लिखा है। याद आ रहा है मालिक आपको? अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए, इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती, तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, याद आ रहा है? यस, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट ऐसे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिन पे टैक्स लगता नहीं है, और रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिन पे हमेशा टैक्स लगता है, अनलेस डिडक्शन और एग्जम्पशन इज अवेलेबल। क्या तुम्हें याद है? यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां से हमने आगे बढ़ के देखा कि भैया जो हेड्स ऑफ इनकम है वो कितने हैं? पांच। तो मेरे को एक बार ग्रॉस टोटल इनकम बताओ वापस क्या होता है? फाइव हेड प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ माइनस डिडक्शन, तो जाके आपका बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन, तो क्या बनेगा? टोटल इनकम। याद आ रहा है तुम लोग को मालिक? अच्छा जी, तो हम इसकी शुरुआत से निकले, टोटल इनकम पे हम टैक्स निकालते, तो पहला चैप्टर टैक्स को डेडिकेटेड था, टैक्स किस तरीके से निकाला जाता है। इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, कोऑपरेटिव्स एंड कंपनीज के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम भी आया है। मैंने आपसे कहा ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम हम आगे करेंगे, हाल फिलहाल में हम नॉर्मल स्लैब रेट पे चल रहे हैं। तो नॉर्मल स्लैब रेट, इंडिविजुअल बिलो 60 हु इज रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, अबाउ 10 लाख, 5 लाख तक के टैक्स का शॉर्टकट दिमाग में, और 10 लाख तक के टैक्स का शॉर्टकट। क्लियर है? जब भी हम लोग टैक्स निकालते हैं, क्या टैक्स में एच ई सी भी एड होता है? एट द रेट ऑफ
चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके आगे हम लोग ने बढ़ के देखा रिबेट अगर आपको लेना है तो तीन कंडीशन है, एसएससी शुड बी। जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं सर प्लीज 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 आप लोग शांत मत बैठिए, कमेंट करते रहिए, तो जल्दी से बताइए रिबेट के लिए एसएससी शुड बी, ही शुड बी टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट विल बी हायर ऑफ या लोअर ऑफ, लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500, लेकिन 112A के टैक्स से रिबेट मिलता नहीं है, याद है आहो। फिर रिबेट के बाद हम लोग गए थे क्या टोटल इनकम और टैक्स दोनों राउंड ऑफ करने पड़ते हैं, टोटल इनकम और टैक्स दोनों राउंड ऑफ होते हैं इन मल्टीपल ऑफ रुपीज, तो 10 के मल्टीपल में ये दोनों क्या किए जाते हैं राउंड ऑफ किए जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्पेशल रेट ऑफ टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या गलती कर रहे हो, जब तक 111 ने लिखा नहीं नॉर्मल स्लैब रेट, तो मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या आना चाहिए जवाब नॉर्मल स्लैब रेट, अगर 111 ए वाला होगा तो 15%, 112 वाला होगा तो 20%, 112 ए वाला होगा तो बियॉन्ड 1 लाख 10%, याद आ रहा है। लॉटरी एंड कैजुअल इनकम कितना परसेंट बेटा 30%, क्या तुम्हें याद है, चलो जी बहुत 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 बढ़िया, यहां तक के हम लोगों ने किया था। एक स्पेशल एडजस्टमेंट नाम की चीज मैंने सिखाई थी, द लास्ट कंसेप्ट था वो, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर एसएससी के पास राइट नॉर्मल इनकम है जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब नहीं कर रहा एंड हैज गॉट स्पेशल इनकम, क्या स्पेशल इनकम को फर्स्ट एडजस्ट किया जा सकता है टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इनकम विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। तो कल मैंने आपको यू नो टैक्स के प्रोविजंस पूरे सिखा दिए, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं रादर देन दिस राइट, तो आज मैं आपको और टैक्स कंप्यूटेशन सिखाने वाला हूं। एक बार टैक्स कंप्यूटेशन मजबूत हो जाए आपके जो टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम है ये और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, यस, अगर आपका टैक्स कंप्यूटेशन क्लियर हो गया तो ठीक है। अच्छा, मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो तो से यस, किया तो होगा नहीं, तुमने किया है, ढूंढने दो मेरे को भी होमवर्क किधर है तुम्हारा, ये है, यही तुम्हारा होमवर्क था 4.20 करोड़, एक बार सब चेक कर लीजिए फटाफट, यस होमवर्क किया तुम लोगों ने, अच्छा जी होमवर्क किया रहेगा, आओ देखते हैं एक एक करके। तो भैया ये आपकी कुछ इनकम इस तरह से दी हुई है, मैं वही फॉर्मेट वापस बना लेता हूं, कौन सा फॉर्मेट था बेटा, इनकम टैक्स सरचार्ज टोटल एचईसी टोटल, ठीक है ये फॉर्मेट ओके है। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसी इनकम को लिख रहा हूं जिनमें स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आ जाता है, आप ऊपर लिखो नीचे लिखो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है आप ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई बात नहीं, एक ही पड़ने वाला है आपको। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इस पे टैक्स कैसे निकलेगा जरा देखिए, मैं 59 लाख पे 10% निकालना चाहता हूं, आपको कोई तकलीफ, यस, सो 59 लाख का 10% आपका टैक्स आ गया, से यस, यस सरचार्ज बाद में देखेंगे। फिर था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, पूरे 55 लाख पे 20% निकालूंगा, कोई तकलीफ, यस, सो 55 लाख का 20% दैट कम्स टू 11 लाख, ठीक है मालिक, 55 लाख का 20%, यहां 1 लाख माइनस होता नहीं है, सॉर्टेड है। इसके बाद डिविडेंट और पीजीबीपी बचता है, डिविडेंट और पीजीबीपी, चाहूं तो मैं एक साथ इसे नॉर्मल भी कर दूं, लेकिन दोनों पे सरचार्ज रेट अलग होने के कारण मैं दोनों को अलग अलग ही करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। मेरे बच्चे को मैंने कल ही कॉन्सेप्ट में बहुत डीप जाकर के समझाया था, बताओ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किससे एडजस्ट करना ज्यादा सेंसिबल है, पीजीबीपी या डिविडेंड, क्यों ऐसा, क्योंकि जिसका टैक्स रेट ज्यादा है उसका सरचार्ज भी ज्यादा होगा, अरे हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरी जान। तो पीजीबीपी 3 करोड़ था, 3 करोड़ में से मेरे बच्चे को चलो वापस से टैक्स पढ़ना सिखाता हूं, टोटल इनकम था बेटा मेरा 3 करोड़ रुपीज, जानता है तू मेरे लाल, टोटल इनकम था 3 करोड़ रुपीज, इसमें से कहां तक का टैक्स तेको पता है बोल बच्चा, 10 लाख तक का शॉर्टकट क्या है बोल, क्या 1 लाख 12,500 आ रहा है, बोलो हाँ, यस,
1,12,500 दस लाख तक का टैक्स कैसे आया वो भी वापस बता देता हूं, ध्यान से सुन। पहले 10 लाख में से क्या 2.5 लाख तक के टैक्स तेरा क्या आना है, जीरो। नेक्स्ट 2.5 लाख तक के कितना आएगा, 5%, यानी ये आ गया 12,500। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट आएगा बेटा, 20%, ये कितना आ गया बेटा, 1 लाख। टोटल 1,12,500, यानी क्या हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी कंसिडर कर रहे हैं, यानी क्या हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। 2.90 करोड़ पे कितने परसेंट लगेगा बेटा, 30%। 2 करोड़ 90 लाख इंटू 30% कितना आ रहा है बेटा, ये इज इट 87 लाख। टोटल 88,12,500। एवरीवन पक्की बात मेरे दोस्त? चलो इसके बाद डिविडेंड। अब आप मुझे बताइए डिविडेंड पे क्या अलग से एक और बार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दूं या डायरेक्टली 30% से टैक्स करूं? सो शुड आई डायरेक्टली 30% शुड आई डायरेक्टली अप्लाई 30% और नॉट? यस। सो डिविडेंड 5 लाख रुपीज, 5 लाख इंटू 30% डायरेक्टली इज इट 1,50,000। यस। नाउ माय फ्रेंड्स यू टेल मी व्हाट इज द सरचार्ज रेट, सरचार्ज रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए 15%। 112 इज इट द अमेंडमेंट, इज इट द अमेंडमेंट ब्रो? यस। द मैक्सिमम सरचार्ज रेट ऑन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। यस। सो माय फ्रेंड्स यहां पे आएगा 15%, ठीक है, यहां पे आएगा 15%, यहां कुछ समझ नहीं आ रहा कितना आएगा, 25 और 15, बिकॉज क्या मेरा अदर इनकम ही ऑलरेडी 2 करोड़ के ऊपर है? अगर मेरा अदर इनकम ही 2 करोड़ रुपए के ऊपर है तो क्या 25% आएगा मालिक? यहां आएगा 25% और ये डिविडेंड पे कुछ याद नहीं आ रहा 15%। डू यू अग्री? चलिए 15% इनकम का या टैक्स का? सो 5,90,000 इंटू 15% दैट कम्स टू 88,500। पक्की बात मालिक? हियर टोटल आया 678,500। फिर यहां पे आया 11 लाख का 15%, इज इट 1,65,000। एडिशन में आया 12,65,000। डू यू अग्री? यस। 88,12,500 का 25% दैट कम्स टू 22,03,125। यस दैट कम्स टू 1,10,15,625। एंड लास्टली 1,50,000 का 15% दैट कम्स टू 1,50,000 का 15% 22,500 ब्रो दैट कम्स टू 1,72,500। अब हम चाहे तो HEC इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, अब हम चाहे तो HEC इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। HEC अगर मेरे को इंडिविजुअल नहीं निकालना है, HEC अगर मेरे को इंडिविजुअल नहीं निकालना है तो क्या मैं सीधा इसका टोटल करके भी HEC निकाल दूं? बात वही होगी क्या? Does this comes to 1,31,31,625? है ना? Into 4%, 525,265. So what is my total tax liability, bro? 1,36,56,890. Do you agree with this line? Yes. So my final tax liability comes to 1,36,56,890. क्या मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत है? क्या मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत है? नहीं, राउंड ऑफ ऑलरेडी है, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ये था आपका होमवर्क, बट मैं चाहता हूं आपने अगर घर पे स्टडी की है तो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आधी एक घंटा कभी फास्ट ट्रैक में या एक आध दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो तकलीफ तो नहीं हो जाएगी ना तुम लोगों को किसी को, है ना? चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो मेरे साथ, है ना? एग्जाम्पल लिखो मिक्स्ड। अब इसमें किसी भी कंसेप्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। तुमने अपना अगर पढ़ के आए होंगे मालिक, तुमने अपना कल अपना 100% दिया होगा तो तुम इसका जवाब जरूर दोगे। अब ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। पहला PGBP 6 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 50 लाख,
short term capital gain under section 111 A, 50 lakh. Total 7 crore. Nikalo. The time starts now. फॉर्मेट तुमको पता है, ट्राई करो, गलती होगी चलेगा, क्योंकि जब तक गलती नहीं होगी तब तक हम सीखेंगे नहीं, सीखना जरूरी है। हाँ, कम ऑन, टाइम बाउंड तरीके से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, टाइम बाउंड तरीके से काम करो। डने मालिक, सी यस डने, एनीवन विद द आंसर, जल्दी से बताओ। हाँ जी, सो व्हाट इज द आंसर? 2,74,72,250. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैज दिस आंसर ओनली, यस। लेट मी चेक, टोटल इनकम तो हमने लिखी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। एवरीबॉडी बताओ जल्दी से, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा बेटा? 15% इज द टैक्स कम्स टू 7,50,000 ब्रो। Is the tax come to 7,50,000 bro? Long term capital gain 50 lakh into 20%. Do you agree with the same? Yes. So that comes to 10 lakh rupees. Yes or no? 6 crore के ऊपर टैक्स निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। 6 crore के ऊपर टैक्स निकालना, मेरे बच्चे को पता है। अब इस पे क्या टैक्स नॉर्मल तरीके से निकलेगा जैसे निकलता था? हाँ, यहाँ नॉर्मल तरीके से निकलेगा। तो क्या मेरा बच्चा जानता है 10 लाख रुपए तक का टैक्स कितना होने वाला है? 1,12,500। तो चल मेरा बच्चा इधर आ, वापस से सीख। 6 करोड़ में से 10 लाख तक का टैक्स देखो, पता है 1,12,500 बचता कितना? 5.90 करोड़। एवरीवन, 5.90 करोड़ पे कितना परसेंट बेटा? 30%। सो 5 करोड़ 90 लाख इनटू 30%, दैट कम्स टू 1,77,00,000 प्लस 1,12,500, सो दैट कम्स टू 1,78,12,500। यस,
ओके प्लीज 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 मुझे बताओ ना सरचार्ज रेट क्या रहेगा? 25%, 25%, 37%, पूछो ना क्यों? मेरी अदर इनकम एक्सीड 5 करोड़, यस। तो मेरी अदर इनकम अगर एक्सीड कर रही है 5 करोड़, तो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, देश का नाम रोशन करने वाला बच्चा, क्या मैं इधर 37, 15, 15 कर दूं? अमेंडमेंट यहां अप्लाई होगा नहीं होगा? बोलो हाँ या हाँ। यस, अमेंडमेंट अप्लाई हो जाएगा। चलो अमेंडमेंट को अप्लाई करते हुए तो 1,78,12,500 का 37%, दैट कम्स टू रुपीज 65,96.25। अग्री डिसएग्री? अग्री डिसएग्री? ठीक है मालिक, तुम बोल रहे हो इसलिए ठीक है। ये 10 लाख का 15%, दैट कम्स टू 1,50,000। बोलना मेरा बच्चा, आवाज निकाल, आवाज निकाल, तेरी आवाज देश में गूंजनी चाहिए। हाँ बेटा, 7,50,000 इंटू 15%। यस, याद रख, तेरा रिजल्ट फेल है, तू नहीं। समझ आ रही है बात? अपने आप को डाउन करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बुरा लग रहा है इसलिए क्योंकि तुमने मेहनत की है। समझ आ रही है बात? और बुरा वो माने जिसने कुछ गलत किया और इसलिए पास नहीं हुआ। तुम तो यार मेहनत करके हुए हो ना, और जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है उसने भी अटेम्प्ट लगाया है, ठीक है, तो फेल होने में भी बहुत स्कोप है। समझ रहे हो ना? नहीं, क्या है, तुमने अब तक 2-3 बार तो कैलकुलेटर पे मेरा ई निकाल ही लिया होगा। वो नहीं होता है, मेरा फीस इतना, टीचर का इनकम कितना, मेरा फीस इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, तो टीचर का इनकम कितना, और ये तो एक बैच से है ना, ये तो एक बैच से, तो एक हाथ बार तो तुमने ये निकाल ही लिया होगा। तो ये तो तुमको समझ गया है फेल होने में बहुत स्कोप है। यस, चलो मेरे भाई। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने को फेल होना है जीवन में। इसको बुरा नहीं मानना, सर पे नहीं बैठाना। चलो टोटल क्या आ रहा है, टोटल टैक्स का 2,64,15,625। ओ यार, इंटू 4% कर दूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। सो फाइनल टोटल कम्स टू 2,74,72,250। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है मालिक? किसी को कोई तकलीफ? पक्का? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, एक और करो, ठीक है, लिखो। किसी को कोई तकलीफ बेटा? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? एक और एग्जांपल लिखो। चलो, पीजीबीपी 1.30 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 70 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए 40 लाख, टोटल 2.40 करोड़। अनदर एग्जाम्पल करो सॉल्व। आप जितने लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं जल्दी से सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए। आप यहां नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप चाहते हैं आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी बच्चा फेस टू फेस में आके बैठ सकता है, इनफैक्ट हमने फास्टैग फ्री कर चुके हैं, तो सब अपने हैं, पराया कोई नहीं। कोई दोस्त है घर पे टाइम पास कर रहा होगा, खींच के मारने का, बोलने का आके बैठ चुपचाप, चल बेटा जल्दी सॉल्व कर। कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स क्लियर कर दूं। पहली चीज, क्या सेक्शन नंबर याद करना है? नहीं। क्या सेक्शन याद रखने जरूरी है? नहीं। शॉर्टकट लिख सकते कुछ जगह पे? यस। गलती करो, गलती करना अच्छा है। अगर एग्जाम ब्लैक कलर के पेन से लिखना है तो प्लीज स्टॉप राइटिंग फ्रॉम ब्लू, लिखते हुए भी अजीब लगेगा नहीं तो वहां पे।
टाइम इज रनिंग, एक मिनट या तो नेक्स्ट अटेम्प्ट, सोच लो बुआ ये सुनना चाहते हो या मम्मा, क्या सुनना है तुम डिसाइड करो, चाचू पप्पा, हाँ बोल मेरा बच्चा। जीनल का मेरे को यहां पे आया है ऑनलाइन में 6832150। यस करो 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 करो, रुको मत, बिल्कुल नहीं रोकना अपने आपको। कितारे बच्चे ये आ रहे हैं, तो भैया सौरभ सीए लाइफ कृष्णा सबका जवाब यही आ रहा है हमारे अनादर चैनल के ऊपर। भागवत देवेश गायकवाड़ जी, ऋतुजा गायकवाड़ जी का जवाब कुछ और आ रहा है, 7411130 आ रहा है, तो एक और अल्टरनेटिव जवाब आ गया 7411300। आपको नहीं लगता है बच्चा कुछ मिस कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट छुपा है इस क्वेश्चन में, आपने ढूंढ लिया तो सही, क्या कॉन्सेप्ट छुपा है, सब सरचार्ज में सबसे लास्ट वाला, कैसे, अगर आपकी अदर इनकम और स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर गई तो सारी इनकम पे सरचार्ज रेट कितना, 15%। कितनों से गलती हुई रेज योर हैंड, कितनों से गलती हुई रेज योर हैंड, सॉल्व नहीं हुआ दैट्स अ डिफरेंट मैटर, पर गलती हो गई, कॉन्सेप्चुअल गलती, समझ में आया क्या गलती हुई, बताया नहीं जाएगा, चीजें छुपी होगी, ढूंढ के निकालना होगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं बेटा, बुलाती है जाने का नहीं, कॉन्सेप्ट काय पे बेस था, क्वेश्चन बेस था, अगर आपकी सी मैं क्या बोल रहा हूं, इसको देखने का बड़ा सिंपल तरीका है, तुम्हारे पास स्पेशल इनकम के नाम पे चार ही चीज है ना, हेलो तुम्हारे पास स्पेशल इनकम के नाम पे चार ही चीज, इनको हटा के बची हुई इनकम पे फोकस करने का, बची हुई इनकम 2 करोड़ के ऊपर है क्या, बस इतना सिंपल सा देख लो, मतलब इससे आसान भाषा में मैं इसे कह नहीं सकता, ये चार इनकम को छोड़ के बची हुई इनकम 2 करोड़ के ऊपर है या 2 करोड़ के नीचे, पूरा गेम इस पे सेट है, समझ में आ रही है बात, पूरा गेम इस पे सेट है। अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपका पीजीबीपी 6 करोड़ था, मतलब वो 5 करोड़ की लिमिट के ऊपर बैठा था, आपको तब ये सोचना ही नहीं था, अब यहां पे आपका गेम ही 2 करोड़ के नीचे बैठा है और ये सब मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, द ओवरऑल सरचार्ज रेट वुड बी 15%। तो चलिए टैक्स निकालते हैं सबसे पहले, इधर 40 लाख का 15%, इज इट 6 लाख, यहां पे 70 लाख का 20%, इज इट 14 लाख, 1 करोड़ 30 लाख में से 10 लाख माइनस करके बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500, डज दिस कम्स टू 37,12,500, यहां तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, पक्की बात। चलो अब आपको नहीं लगता मैं यही टोटल कर दूं, अब आपको नहीं लगता क्या मैं यही टोटल कर दूं तो ठीक है, मैं अलग अलग क्या निकालूंगा, तीनों का सरचार्ज रेट कॉमन है तो क्यों मैं इतना दिमाग लगाऊं, टोटल कम्स टू 5712500, इसका 15%, दैट कम्स टू 856875, योर टोटल कम्स टू 6569375 और इस पे लगाऊंगा मैं HEC एट द रेट ऑफ 4%, 262775, तो मेरा फाइनल टैक्स लाइबिलिटी मेरा बच्चा 6832150, बराबर है, इसके नीचे नोट लिखिए अलग कलर का पेन होगा तो, इसके नीचे नोट लिखिए अलग कलर का पेन होगा तो, यस नोट लिखिए, इफ स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम, इफ स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, इफ स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, देन द सरचार्ज रेट विल बी 15% अक्रॉस
टोटल इनकम। इज दैट डन मालिक? चलो ये डन है। हाँ जी बहुत शानदार, डन। एक और प्रॉब्लम मेरे को लगता है लेना चाहिए, मैं अभी तक आपके कंसेप्ट्स को लेकर के श्योर नहीं हुआ हूं। चलिए एक और प्रॉब्लम, दम लगाना। पीजीबीपी 1 लाख, डिविडेंड 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 1 लाख। करो नील सच्ची ना, मैंने क्या कहा था 5 लाख से नीचे देख के, और याद है ना रिबेट वो 112 एक से नहीं मिलता। तो नील बोलने से पहले पहले टटोल लो, सब बात समझ लो, हर एक बात को जान लो, और जब दिल सब सही करे तब ओके करना। क्या मेरे को मेरा प्यारा बच्चा, मेरा दुलारा बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन सा कंसेप्ट कवर कर रहा है हम इस प्रॉब्लम में? स्पेशल एडजस्टमेंट। अगर एसएससी के पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब नहीं हुआ एंड हैज स्पेशल इनकम, याद आ रहा है क्या मालिक? राइट right? अच्छा फिर भी नील ही आ रहा है आप सबका आंसर, फिर भी नील ही आंसर आ रहा है। चलो 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 लेट्स चेक। मैं सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, नॉर्मल स्पेशल, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? ठीक है, मैं मेरे नॉर्मल इनकम के अंदर में लिख रहा हूं 1.50 लाख। डू यू अग्री? कैसे में निकाला मैंने 1,50,000? पीजीबीपी प्लस डिविडेंड, ये नॉर्मल इनकम पे टैक्स होते हैं, मैंने नॉर्मल में लेके आ गया। मैं मेरे प्यारे बच्चे से पूछना चाहूंगा, क्या मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब हुआ? क्या मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब हुआ? क्या मैं अदर इनकम को यूज कर सकता हूं? यस। स्टॉप, मेरे पास दो स्पेशल इनकम है। आपने अब मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए, आपको सवाल समझा, आंसर भले ही नहीं होगा लेकिन एक टेक्निकल सवाल आप सबके मन में आया होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आपके मन में आया होगा। एनीवन सवाल? दोनों में से पहले एडजस्ट करे कौन सा? चलो अब मैं मेरे बच्चे से, अगर मैंने ईमानदारी से 2 दिन से सही पढ़ाया तो आप खुद होके बताओगे पहले क्या एडजस्ट करूंगा। 112, प्लीज गिव मी द रीजन क्यों 112 एडजस्ट करना चाहिए। देखिए एज अ टैक्स पेयर तुम हमेशा ये चाहोगे कि तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा हो या कम हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112 में टैक्स ज्यादा रहता है या कम रहता है? 112 में ज्यादा रहता है या कम रहता है? ज्यादा, एज कंपेयर टू 112A, बराबर है वो 10% है, दैट टू बियॉन्ड 1 लाख। समझ आ रही है बात? तो अगर मुझे मेरे क्लाइंट का ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी कम करना है, पहले मैं ये पूरे 1 लाख रुपए इधर एडजस्ट कर दूंगा। लो जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट हो गया 1 लाख रुपीज पूरा इधर, ये मेरा टोटल बन गया, टोटल आ गया 2,50,000। इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 का माइनस हो गया, इधर हो गया नील। आपको नहीं लगता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में वैसे ही 1 लाख तक के टैक्स क्या आने वाला है? नील। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या बन गया बेटा? नील। एडजस्टमेंट समझ में आई? तो अगर आपको ऐसा कुछ रहे, आप पहले हमेशा क्या एडजस्ट करो? वो वाली इनकम एडजस्ट करो जिसमें टैक्स रेट ज्यादा हो। अब लिखो यहां पे माई नोट, एक बात समझिए, जब भी मैं आपको पूरे सिलेबस में माई नोट लिखवाऊंगा, माई नोट हम ऐसे लिखेंगे जिसको हम अपने दोस्त को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, मतलब हम इंग्लिश में जैसे मैसेज लिखते हैं हम वैसे लिखेंगे जैसे कि अपने किसी दोस्त को समझा रहे हैं। ऐसा एग्जाम में लिखने का नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है जैसे टेक्स्ट मैसेज लिखते हो।
भाई, लिखो भाई, लिखते जाओ, सोचने का नहीं, जो बोल रहा हूं कर लेने का। भाई यहां यहां हमारे पास ऑप्शन था, यहां हमारे पास ऑप्शन था कि हम 112 एंड 112 ए दोनों में से कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, 112 और 112 ए दोनों में से कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट हमें वो एडजस्ट करना चाहिए, हमें वो एडजस्ट करना चाहिए पहले जिसका टैक्स रेट ज्यादा हो टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी। जितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहला दिन कर रहे हैं, प्लीज दो दिन के पहले फास्ट ट्रैक लिस्ट में अवेलेबल है, सीए विजय साडा चैनल के ऊपर जाकर के देख लीजिए, उसके बगैर मत आइएगा, क्योंकि ये सब लिंकिंग चल रहा है। तो हो सकता है आपका पहला दिन हो तो आप बोले क्या जीवन में क्या क्या क्या, पहले दो दिन हो चुके हैं, तो आज तीसरा दिन है जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। डन है, समझ में आया? आपको नहीं लगता ये जो पर्सनलाइज नोट्स रहते हैं ये सबसे अच्छे रहते जीवन में? अपने को कुछ समझ में आता क्या लिखा है? मैं आपसे अब एक ओरल सवाल पूछने वाला हूं, सब बच्चों से एक्सपेक्टेड है जवाब दे। सपोज यहां पे अगर 112 भी होता, 111 ए भी होता और 112 ए भी होता, मेरा बच्चा पहले क्या एडजस्ट करता? मतलब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूं कि आपके पास 111 ए भी है, 112 भी और 112 ए भी है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी यू विल गो? व्हाई? टैक्स रेट ज्यादा है। दूसरा 111 ए, दिस शुड बी द सेकंड प्रायोरिटी एंड ऑब्वियसली दिस विल बी द लास्ट प्रायोरिटी। आहो, किसी नालायक के मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर अगर सिर्फ 112 ए ही होता तो क्या हम पूरा 100,000 रुपए एडजस्ट कर देते बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में? सपोज 112 ए 2,00,000 रुपीज है और आपका पीजीबीपी जो है ये 2,00,000 रुपीज है, अब आप मुझे बता सकते हैं टैक्स कैसे निकलेगा? यू टेल मी, 2,00,000 में से इधर और 50,000 रुपए चले जाएंगे, बराबर है? इधर का टैक्स क्या आ गया? निल। डू यू अग्री ब्रो? यहां पे से 2,00,000 में से पहले 100,000 रुपए तो गायब कर दो, और 50,000 रुपए गायब हो जाएंगे क्या? बचे कितने? 50,000 × 10% इज इट 5,000? लेकिन क्या टैक्स 5,000 होगा या निल होगा? निल होगा। झंडो, 112 ए में से रिबेट मिलता? हो, समझ में आया क्या गड़बड़ किया तूने? फिर से तुम ना भावनाओं में बह जाते हो, समझ में आया तुमने क्या गड़बड़ किया? वापस से सुने इस क्वेश्चन को, अल्टीमेट क्वेश्चन था। जो दोस्त नहीं आ रहा ना, हाँ अपन तो कर लेंगे सब, आता उसको बोलना झंडू इधर ले, ये कर बोलना। पीजीबीपी 2,00,000, बात समझना, हेलो आंखें इधर, पीजीबीपी 2,00,000, 2,00,000। अब क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब हुआ? नहीं। क्या 112 ए है? हाँ। क्या एडजस्ट हो सकता है? हाँ। इधर 50,000 गए, इधर का टैक्स आ गया निल। डू यू अग्री? हाँ या हाँ? अरे डू यू अग्री? हाँ या हाँ? 2,00,000 में से 100,000 तक के तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता, 50,000 ऊपर भेज दिया हमने, बचे कितने? 50,000 पे 10%। अब बच्चा क्या सोचता, चल मैं रिबेट दे दूं क्योंकि मेरी टोटल इनकम तो 5,00,000 से नीचे है, लेकिन मेरे लाल, मेरे होने वाले बच्चों के चाचा, 112 ए में से रिबेट मिलता? सो यहां पे सीधा 5,000 पे क्या लगेगा बेटा? HEC एट द रेट ऑफ 4%। समझ में आया? कलल का आंसर विल बी 5,200 रुपए। लिखो ना ये प्रॉब्लम, एक और एग्जांपल लिखो, पीजीबीपी 2,00,000, 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112 ए 2,00,000,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 2 लाख. डन है? चलो, इस तरह से करने से बेटर आप इसको अलग अलग कर सकते हो अपने नॉर्मल तरीके से. नॉर्मल स्पेशल, नॉर्मल में अपनी नॉर्मल इनकम कितनी थी मेरा बच्चा बोल? 2 लाख. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना एडजस्ट हुआ बेटा? 50,000. टोटल 2,50,000. आपका टैक्स क्या हो गया बच्चा? नील. बेटा मैं स्पीड तो नहीं जा रहा पक्का, क्योंकि 2,50,000 तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लगेगा, नहीं होगा. अब आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना रुपए था बेटा? 2 लाख. ठीक है, 2 लाख में से यूज्ड फॉर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना बेटा? 50,000. बचता है बेटा 1,50,000. टैक्स 50,000 इंटू 10% 5,000. टोटल टैक्स 5,000 माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील. देखा, कल हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज इस पे प्रॉब्लम भी लिया कि 112A में से रिबेट मिलता नहीं. ये आया टोटल बेटा 5,000. इसमें क्या ऐड करेंगे मेरा बच्चा? एक मिनट, मुझे बताओ क्या रिबेट, सॉरी क्या राउंड ऑफ करने की जरूरत है या ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है? ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है. मजा आया क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट मार्क करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड चलाए जा रहे. एक 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 एक, ठीक है. इस क्वेश्चन जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया उसके बाजू में लिख दो, जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया उसके बाजू में लिख दो 112A रिबेट कॉन्सेप्ट प्लस स्पेशल एडजस्टमेंट. 112A रिबेट प्लस स्पेशल एडजस्टमेंट. इज दैट डन? चलिए, आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज होमवर्क सुनिएगा. आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क सुनिएगा, कल हम डिस्कशन करेंगे. जो हमारा क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन आएगा और ये आप सॉल्व करेंगे बाकायदा रजिस्टर में. क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, ठीक है. इसके अलावा यू नीड टू डू ऑडिट. ऑडिट मतलब क्या? कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, ओके कर देना. टाइम मिले करना, मत करना, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों आपके लिए क्या रहेंगे? ऑडिट. ऑडिट कर देना, हो जाएगा. कॉन्सेप्ट 1, 4, 5, 6 में है, तो 1, 4, 5, 6 करना. कल हम यहां उसका डिस्कशन करेंगे, क्लियर है? बट सॉल्व करना, टाइम लगे चलेगा, ईमानदारी से सॉल्व कर देना, ठीक है. चलो, ये कॉन्सेप्ट हो गया बेटा. नोट्स में आ जाता हूं मैं. मैंने इस नोट्स का पहले चैप्टर का पीडीएफ दिया, बचे हुए चैप्टर का पीडीएफ मत मंगना, हमने कल ही अनाउंस कर दिया था. इसका पीडीएफ देना पॉसिबल नहीं है. बुक्स आप चाहे मंगा सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं आपकी इच्छा, हमारे कोई जबरदस्ती नहीं है उस चीज में. हमने हमारा कोर्स पूरा कर दिया. अच्छा जी, इसके अलावा एक बच्चा था जिसने कुछ कमेंट भी किया, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. कमेंट नहीं बताना चाहूंगा, बट एक फीलिंग शेयर करना चाहूंगा. यू नो देर आर, जब आप कुछ करते हैं तो देर आर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव्स. सो देयर वॉज वन पर्सन जिसने इस पर निगेटिव कमेंट भी किया एंड कुछ अच्छा अच्छा बोल रहा था, ठीक है. मैं इस चीज़ से आपको एक बहुत अच्छी सीख देना चाहता हूँ. सीख क्या है, मेरी बात सुनिए. कभी आपने सुना होगा हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ठीक है. नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कुत्ता समझे. मैं ये कह रहा हूँ ठीक है. नहीं, आप मेरे साइज को देख के आप मुझे हाथी समझ सकते हैं, बट आप उसको कुत्ता मत समझिए.
मेरा ये कहना है कि जिंदगी के लाइफ के हर एक फेज में, ठीक है, तुम्हें कुछ लोग कहेंगे जो तुम्हें बहुत पॉजिटिव कहेंगे, और लाइफ के कुछ फेज में ना तुम्हें कुछ लोग रहेंगे जो तुम्हें बहुत निगेटिव कहेंगे। ठीक है, मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, कौन तेरे बारे में क्या बात कर रहा है ये भी अगर तू सोचेगा ना तो लोग क्या सोचेंगे पहले ये सोच। ठीक है, तो छोड़ना यार किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, बराबर है। जो कमेंट कर रहा उसको कुछ नहीं लग रहा आ करके सिर्फ कमेंट करने में, हमको पता है 2 घंटे यहां आके खड़े रह के, ठीक है, बोलना और बच्चों से साथ करवा के लेने में फर्क क्या है। ठीक है, बोलने वाले बहुत हो सकते हैं, बोलने वाले कई बातें बोलेंगे, ठीक है, बट मेरे को एक बात समझिए, अगर आप और मैं ये दोनों को समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, तो हमें किसी और को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ठीक उसी तरीके से आपके भी कई रिलेटिव होंगे जो आपके फेल होने पे आपको जज कर लेंगे, आपके नॉलेज को जज कर लेंगे, आपके ऊपर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आपको बेकाम का समझेंगे, समझिए, या आपको सिर्फ बीकॉम के लिए ही समझेंगे। एक बात समझिए, ये बात फैक्ट है कि जब तक आप प्रूव नहीं करते ना कोई आपको इज्जत नहीं देता, ये बात उतनी ही सही है। आप मुझे बताइए कोई ऐसे शेयर में आप भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या जो नॉन परफॉर्मिंग हो, यानी जब तक वो परफॉर्मिंग नहीं होता तब तक उसका वैल्यू आता नहीं। बस यही आपको करना है, सबसे पहले ना अपनी गेम ऊंची करो, लोगों को बताओ कि तुम में दम है, लोगों को समझाओ कि एक फेल का रिजल्ट ना तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारा वर्थ कितना है। समझ में आ रही बात, लोगों को नहीं समझेगा, लोगों को लगेगा कि भाई तेरे से नहीं हो रहा, और बाकी लोग छोड़ भाई सबसे पहले व्यक्ति रहते अपने माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें हमेशा ना 70, 80 और 90% देखा है। इमेजिन कर, मैं तेरे को एक सिचुएशन समझा रहा हूँ, हम सबके साथ ये सिचुएशन हुई है, स्पेशली फेलियर्स के साथ ही हमेशा सिचुएशंस होती है, हमें हमने हमारे माँ बाप ने क्या किया है 10वीं 11वीं 12वीं में कैसे दिखा है 70% 80%। यहाँ पे तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको अकाउंट्स में 99 भी आए होंगे, खैर आज विषय अलग है, अकाउंट्स वही है, रूल चेंज नहीं हुए, पर पता नहीं कुछ बदल गया, पता नहीं कुछ बदल गया, सही है कि नहीं है। हम वो व्यक्ति थे, आपको पता है डिफरेंस क्या हुआ, कई कई लोग ये भी कहे इस कोर्स में कि ये कोर्स 10वीं 12वीं से इजी है, सही है, उन्होंने इतनी मेहनत करी होगी कि लगा होगा। अरे भाई देख, तू किसी का परसेप्शन गलत कर सकता है क्या, नहीं, उनको ये लगा होगा, डेफिनेटली लगा हो सकता है, उन्होंने उतनी मेहनत करी होगी ऑब्वियसली ना, किसी दिन तू भी अगर उतनी मेहनत कर देगा तेरा भी स्टेटमेंट यही रहेगा, तेरा भी स्टेटमेंट शायद यही रहे, तूने भी यही काम करना है मेरे भाई कि तूने भी मेहनत करनी। देख देखो 11वीं 12वीं 10वीं व्हाटएवर इसमें तेरे को सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों आए थे, क्योंकि तूने उतनी प्रैक्टिस करी थी, याद कर तूने तेरे ब्रेन से ज्यादा ना तेरे हाथ को रिवाइज करवाया था। मैं बताता हूँ कैसे, तेरे को 11th में बहुत क्लियर पता था अगर ये यहाँ डेबिट होता तो ये यहीं क्रेडिट होता। 11th में ना याद कर जब तू पेपर देने गया था ना, तूने पहले क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा, तूने जाकर के पहले स्केल से लाइन मारी, तेरे को मालूम था, तेरे को पता था, तूने ऐसा स्केल से लाइन मारी, तेरे को मालूम था इतने ही लिखना है, ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही, तूने तेरे ब्रेन से ज्यादा तेरे हाथों को याद करवाया था कि ये ऐसा ही चलेगा, तेरे को पता था कि भैया जर्नल एंट्री के बाद बींग ऑटोमेटिक आ जाता, तेरे को पता था, तेरे नॉलेज कहीं नहीं गया, तेरा विल पावर कहीं नहीं गया, तेरी इच्छाएं कहीं नहीं गई, एक चीज जो तेरी छूटी है ना वो छूटा है प्रैक्टिस, डोंट यू थिंक सो। यहां पे भी तू देख तेरे को इशू क्या है, यहां पे इशू ये नहीं है कि तेरे को समझ नहीं रहा, यहां इशू ये नहीं है कि तेरे दिमाग में नहीं जा रहा, इनफैक्ट कई लोगों को ध्यान में भी आ रहा होगा ये चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तुमने यहां तो बैठा लिया, यहां भी तो समझाओ, जब तक दिमाग ऑर्डर नहीं देगा यहां समझेगा कैसे करना क्या है, पहले यहां पे तो लेके आओ चीजों को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, यही एक सिंपल सा तरीका है किसी भी चीज को वर्कआउट करने का। समझ में आ रहा है तुम लोग को मालिक, सो ये छोड़ दो, कई तुम्हारे बारे में अच्छी बात कहेंगे, कई बुरी बात कहेंगे, उसने भी जब हमारे बारे में कहा हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर भी कुछ बोले, अरे कितना करते बैठेंगे भे? मैं इस सब के लिए ना मैं एक बात बताता हूं तुमको, देखो थोड़ा सा वर्नैक लैंग्वेज है पर एज अ भाई तुमको एक बात समझाना चाहता हूं, सब समझना, तुम अपनी पॉटी कंट्रोल कर सकते हो क्या, हाँ या ना में जवाब दो, बाकी इमेजिनेशन में मत जाओ, तुम अपनी पॉटी कंट्रोल कर सकते हो, जोर से बोलना हाँ या ना, तुम ना सुसु कंट्रोल कर सकते हो, अबे जो चीज तुम्हारे अंदर है तुम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, एक्सटर्नल को कहाँ कंट्रोल करते बैठे हो बे, जो तुम्हारे अंदर है माँ कसम वो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जो तुम्हारे बाहर है जो तुम्हारे हाथ में है तुमको उसको कंट्रोल करना है, नहीं कर सकते यार, कितना सिंपल है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है नहीं है, साला अपने से अपनी पॉटी कंट्रोल नहीं हो रही, अपन क्या सरकमस्टेंसेस कंट्रोल करेंगे बे,
क्या किसी के शब्द कंट्रोल करेंगे, क्या किसी के शब्द को कंट्रोल करेंगे, क्या किसी के बारे में जो जो मेरे बारे में ओपिनियन रख रहा है, अबे रखना है तेरा प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी, मैं तो खुश हूं तू मेरे बारे में सोच रहा है मैं तो खुश हूं तू मेरे बारे में सोच रहा है, कहां इतना दिमाग लगाते यार। तो कई लोग तुम्हारे बारे में कई बातें करेंगे, तुमने बस इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना जो मैंने कहा, क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो नहीं ना, जब तुम जो तुम्हारे अंदर है, विज्जू भैया बोलते हैं जो तुम्हारे अंदर है तुम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम तुम्हारे बाहर की चीज कहां से कंट्रोल करोगे वे? छोड़ना, कंसेप्ट पे ध्यान दे, तू बस इस चीज के ऊपर ध्यान दे, तेरे को तेरी वैल्यू बढ़ाना है, पास या फेल का गेम है नहीं, गेम है तेरे को तेरी वैल्यू बढ़ाना, और वैल्यू कैसे बढ़ेगी, पास होकर के। तेरे को फेल होने का डर ज्यादा होना चाहिए पास होने से, समझ आ रही है बात? देखो पास होने की खुशी से ज्यादा तेरे अंदर फेल होने का डर रहेगा ना, कि फिर साला एक बार बैठना पड़ेगा, फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर एक बार लाइब्रेरी, फिर उतना ही वापस से हाइलाइटर। ये चीज से जिस दिन तूने डरना चालू कर दिया, तू मेहनत करना चालू करेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर, आप बस उसका नाम बताओ हम उसका गेम बजाते। छोड़ना है यार, जिसने नाम ही नहीं बनाया मैं उसका नाम लेके कर क्या लूंगा समझ आया क्या बात? और मैं सब इन सब चीजों में नहीं पढ़ता मेरे भाई, अगर मैं इन सब चीजों में पढ़ता तो मैं इधर नहीं होता, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करता हूँ कि भाई अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं, समझ आ रहा क्या? मैंने मेरा फंडा क्या बताया, मैं मेरा बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं, आंसर इज नो, बस खत्म हो गई बात, अपन ने चीजों पर दिमाग नहीं लगाने का, बाकी एक्सटर्नल तुम कितना भी दिमाग लगा लो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो आओ मेरे भाई, एक बार अपने नोट्स देखना, नोट्स में हमने पहला पेज ये खत्म कर दिया था, से यस, ठीक है, हमने ये टैक्स रेट वाला क्लैरिफिकेशन पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, से यस यस। इसके बाद हम लोगों ने सरचार्ज रिलेटेड जो अमेंडेड क्वेश्चन आए थे ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे, से यस यस। अब हमने स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो था ये भी खत्म कर दिया, इसमें का लास्ट दो पॉइंट बचा है जो मैंने आपसे कहा रोक दो, कहीं आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम आते हैं टैक्स रेट फॉर अदर्स के ऊपर, हम किसके ऊपर आते हैं बेटा, टैक्स रेट फॉर अदर्स के ऊपर। मेरी एक बात समझिए, इंटर लेवल पे ना जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो इंडिविजुअल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ना कि कंपनी को, कोऑपरेटिव, एओपी, बीओआई एटसेट्रा। हालांकि हालांकि दिए आपको सब है तो पढ़ना आपको सब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्म और एलएलपी के बारे में, फर्म और एलएलपी का टैक्स रेट क्या है। बेटा फर्म और एलएलपी डायरेक्टली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, इनफैक्ट लोकल अथॉरिटी ऑल्सो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। सो फर्म एंड लोकल अथॉरिटी दीज आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। याद रखें इन्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता नहीं, इन्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता नहीं, एक रुपए से डायरेक्ट 30% टैक्स निकलेगा। अच्छा सर इनका सरचार्ज क्या है, याद रखें फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, मैं यहां से कोऑपरेटिव सोसाइटी कट करवा रहा हूं, ये गलत आया है, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, राइट, इनकम अगर 1 करोड़ के ऊपर चले गई द टैक्स रेट, सॉरी द सरचार्ज रेट इज 12% एंड ऑब्वियसली द एचईसी विल बी 4%। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फर्म के केस में, एलएलपी के केस में लोकल अथॉरिटी के केस में, ठीक है, बोलो टैक्स रेट कितना है बेटा 30%, सरचार्ज रेट इफ इनकम एक्सीड 1 करोड़ कितना परसेंट है बेटा 12% एंड एचईसी इज इक्वल टू 4%। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? यस। अच्छा जी नेक्स्ट मैं आ रहा हूं कंपनी, नेक्स्ट मैं किसके ऊपर आ रहा हूं, कंपनी, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ योर टॉपिक, दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ योर टॉपिक। देखिए आपको अगर याद होगा, आपको अगर याद होगा फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी, ऐसे दो तरीके की कंपनी है जिनके टैक्स रेट्स है। यस चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं और इसके पीछे की एक हिस्ट्री भी बताता हूं, पहले हिस्ट्री समझ लीजिए तो ऐसा क्यों हुआ आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट हिस्ट्री खत्म करूंगा, कुछ जगह पे बताना मेरे को जरूरी हो जाता है। यस अच्छा देखिए हुआ क्या, जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने वाली थी, अब की बार ऐसे स्टेटमेंट चल रहे थे, तो 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने से पहले उन्होंने कमिट किया था कि हम कंपनी के, डोमेस्टिक कंपनी के जो टैक्स रेट थे वो 30% से 25% पे ला देंगे, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट जब आई पहले साल में उन्होंने 30% से 29% पे ला लिया, कितने परसेंट पे लाया 29% पे ला लिया, और उन्होंने कहा हमने जो वादा किया है हम 25% पे लाएंगे, हम लाएंगे अगले 5 सालों में, हर साल 1-1% रिड्यूस करेंगे, हर साल 1-1% रिड्यूस करेंगे, तो पहले साल लाया 29%, सारी कंपनीज खुश हो गई क्योंकि 1% से भी टैक्स रिड्यूस होना 1 करोड़ों में चल जाता है, इमेजिन अ कंपनी लाइक पतंजलि, राइट,
जिनकी बस कुछ ही चीजें बची है जो हर्बल नहीं है अब तक। अरे अभी कुछ ही प्रोडक्ट है ना जैसे उनके हर्बल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हर्बल रजिस्टर हमने देखा कभी, हर्बल पेंसिल ये बची अभी आने की। अब पतंजलि जैसी कंपनी जिनका प्रॉफिट करोड़ों के अंदर में, इनका 1% भी टैक्स सेविंग करोड़ों में चले जाएगा, तो उनको ये लिए ये बहुत अच्छी बात हुई। फिर 2 साल इन्होंने कोई टैक्स रेट कम नहीं किया, फिर 2 साल इन्होंने कोई टैक्स रेट कम नहीं किए। 2 साल बाद अपोजिशन पार्टी को याद आया कि इन लोगों ने कुछ वादा किया था निभाया नहीं। उधर से दीदी चिल्लाई, दीदी उधर से दीदी चिल्लाई, ऑटो चल बे ना। ऊपर से हमारे मफलर वाले भैया भी चिल्लाए, ये गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इधर महाराष्ट्र से भी कई लोग चिल्लाए, जर कंपनी ना न्याय मिलाला नहीं मारल्याशिवाय राहणार नाही। उधर नीचे से हैदराबाद से भी कई लोग चिल्लाए, मोदी जी दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मोदी जी। अब सब टीवी पे एंकर भी चिल्ला रहे, मुझे टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो चिल्ला। द मोस्ट हैंडसम बैचलर, ये सेजल का होने वाला पति, मोस्ट हैंडसम बैचलर भी बोले, ऐसा टैक्स बनाता। दो साल इन्होंने कुछ नहीं किया, जब 2 साल इसकी आवाज उठी, जब 2 साल बाद इसकी आवाज उठी कि भैया तुमने तो वादा किया था, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, तुमने तो वादा किया था, तुमने तो किया नहीं। 2 साल बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला 25%, तीसरे साल में लेके आ गए 25% उन कंपनी के लिए जिन कंपनी का 2 साल पहले का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर ना हो। यानी उन्होंने करंट ईयर के टर्नओवर पे बात, उन्होंने बोला अगर 2 साल पहले का टर्नओवर 16-17 दैट ईयर 16-17 का टर्नओवर 50 करोड़ है तो आज टैक्स रेट 25% नहीं तो 30% डोमेस्टिक कंपनी के लिए। सारी कंपनीज मस्त, एक नंबर। 50 करोड़ कोई टर्नओवर होता है क्या? प्रॉफिट की बात नहीं चल रही, टर्नओवर। 50 करोड़ कोई टर्नओवर होता है क्या? है ट्रेडर के लिए 50 करोड़ का एक दिन में ठोकता हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लगा दे तो बहुत छोटा टर्नओवर है 50 करोड़। अब क्या, उन्होंने बोला सबर, अगले साल बढ़ाएंगे। 2019 आया, अब बोले 2019 में आके बोलते 17-18 का टर्नओवर 250 करोड़ तक के है तो 25% नहीं तो 30%। अब 250 करोड़ इज अ गुड अमाउंट, बट फिर भी जो बड़ी कंपनीज थी जिनको एक्चुअल बेनिफिट देना था, समझ रहे ना आप, वो ये 2-3 कंपनी है ना, हाँ, जिनको एक्चुअल बेनिफिट जाना था, बराबर है, उन लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं, 250 करोड़ उनके लिए आज भी चिल्लर है। अब क्या, उन्होंने बोला रुको जरा सबर करो, अगले साल आया, उन्होंने बोला 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ तक के है तो 25% नहीं तो 30%। अब थोड़ी सी राहत मिली, एंड द देन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इंडिया की 99% कंपनी लगभग इसके अंदर में कवर हो चुकी है, कुछ कंपनीज इसके बाहर है जिनके लिए हाल फिलहाल में हम कुछ नहीं करेंगे। उसके अगले साल सिर्फ ईयर चेंज किया, 400 करोड़ का टर्नओवर फिक्स रख दिया, सिर्फ ईयर चेंज कर दिया, 1920 लास्ट ईयर था, याद है आपको। इस साल भी इसको चेंज नहीं किया गया, इसका सिर्फ ईयर चेंज किया गया 2021। सो ईयर सिर्फ चेंज हुआ है, अब आप खड़े कहां हैं, प्रीवियस ईयर 2022-23, पर आपको आज का टर्नओवर देखना है या 2 साल पहले की बात चल रही। 2021 में किसी का टर्नओवर अगर 400 करोड़ से कम है तो आज के लिए टैक्स रेट क्या है, 25%, अदरवाइज द टैक्स रेट इज 30%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये उसका हिस्ट्री रहा है, कुछ इस तरीके से उसका हिस्ट्री रहा है। अब आप ये पूछेंगे अगर कोई कंपनी 21-22 में ही रजिस्टर हुई तो उसका टर्नओवर तो जीरो ही था ना, जीरो इज लेस देन 400, तो 25 या 30? 30%। जिनका टर्नओवर है उनके लिए 25, जिनका टर्नओवर ही नहीं है उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बट बाय 2020 ओनली, बाय 2020 ओनली ये 25 को भी भारत सरकार ने 22% और 15% पे रिडक्शन लेके आ गए बाय इंसर्टिंग अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम।
कंपनीज का जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, ये आपको इंटर लेवल पे नहीं रखा गया है, ये आपको फाइनल लेवल पे रखा गया है। इंडिविजुअल का अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम आपको रखा गया है। आज कंपनी के जो अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स है वो 15% भी है और 22% भी है, मतलब टेक्निकली आज कंपनी के लिए चार टैक्स रेट है, 15, 22, 25, 30। डोमेस्टिक कंपनी के लिए चार अलग अलग रेट है। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो 15% मतलब एक इंडिविजुअल के टैक्स से भी कंपनी को टैक्स रेट कम करना पड़ रहा, इन लाइट ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, कंपनीज एज ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भैया इनका टैक्स रेट ही इतना कम कर दो कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो, और जब जीडीपी बढ़ेगा तब इंडिया क्या करेगा, ग्रोथ कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, तो इस लॉजिक से उन्होंने क्या किया कि कंपनीज को अलग अलग टैक्स रेट दिए। अब अगर आप अपना मॉड्यूल खोल करके देखेंगे इंटर लेवल पे, तो उन्होंने आपको 115 BAA और BAB ऐसे दो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के बारे में एक ब्रीफ पैराग्राफ दिया है, पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और कह दिया कि ये कॉन्टेंट आप कहां पढ़ेंगे, फाइनल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, हाँ जी। तो डोमेस्टिक कंपनी के आज दो पार्ट, जिसका टर्नओवर इन, बोलो बेटा कौन से ईयर की बात चल रही, यहां पहले क्या लिखा होता था 1920, अब क्या लिख दिया 2021, सो अमेंडमेंट इतना ही है, 2021 कर दिया इसको। तो हां जी, जिनका टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर 2021 इज अप टू 400 करोड़ है, और यहां पे आ गई अदर कंपनी। हां जी बताइए, अगर इनका इनकम अप टू 1 करोड़ है तो 25% प्लस 4%, डू यू अग्री? सरचार्ज लगने वाला नहीं है। कंपनी के केस में सरचार्ज तब लगता है जब इनकम एक्सीड 1 करोड़। अगर कंपनी का इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ है, क्या मैं कह सकता हूं 25%? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी सरचार्ज रेट, इज इट 12%? वेरी गुड, बहुत गलत, 7% प्लस 4%। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में कंपनी का सरचार्ज रेट कितना परसेंट है बेटा, 7%। एंड अगर आपकी इनकम कितने से ऊपर जा रही है, 10 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो 25% प्लस 12% प्लस 4%, डू यू अग्री? Yes, यही अगर अदर कंपनी रही तो 30% प्लस 4%, 30% प्लस 7% प्लस 4%, हम डोमेस्टिक कंपनी के अंदर में टू नहीं, 30% प्लस 12% प्लस 4%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हिस्ट्री समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉरेन कंपनी के लिए 40% प्लस 4%, फॉरेन कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है ये कितना रखा गया है बेटा, 40%। यही इनकम अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ रही, सरचार्ज इज 2%। सो फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज रेट डिफरेंट है। 1 करोड़ से ऊपर अगर इनकम जाती है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज इज 7%, फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज इज 2%। एंड 40% प्लस 5% प्लस 4%, डू यू अग्री? लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे सब लिखा है, एक बार बस चेक कर लीजिए। डोमेस्टिक कंपनी 25%, अदर कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अप टू 1 करोड़ निल, 1 से 10 करोड़ 7%, अबाउट 10 करोड़ 12%, यही फॉरेन कंपनी के लिए 2 and 5%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? लिखना है ये, लिख लो।
Is that done? यस, एक लड़की है ऑनलाइन फाइल करके, आई एम सॉरी मजाक ही कर रही है, कहती है सर आई लव यू प्लीज मैरी मी। आई एम श्योर बेटा, बट आप प्लीज एडवांस बुकिंग करके रखिए, हमारे नेक्स्ट बैच के जैसे अगले जन्म में हम ये जरूर करेंगे। आई एम ऑलरेडी मैरिड, यस विद अ किड, सो विद अ किड फ्रॉम ऑफिशियली मतलब। तो आप एडवांस बुकिंग करके रख सकते हैं, जिस तरीके से आप रेगुलर बैच के जो बुकिंग्स हैं हमारे फरवरी में जो चालू होने वाले हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग उसका एडवांस बुकिंग जैसे होता है, आप एडवांस बुकिंग करके रखिए। यस बट दैट्स सो नाइस ऑफ यू, आई एम श्योर। यस चलो आओ, डोमेस्टिक कंपनी का क्लियर हो गया मालिक। यस अच्छा, वो जो कमेंट मैंने दिया है मार्केटिंग टीम से, रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये कमेंट को डिलीट करें, मेरी धर्म वाली पत्नी अगर देखेगी तो, समझ रहे ना आप, घर पे रहना पड़ता भाई, घर भी मेरे नाम से नहीं उसके नाम से है, इधर जाएगा मैं। हाँ आप वैसे टैक्स प्लानिंग ही है और क्या, सही है कि नहीं, इतना तो करना पड़ेगा ना यार, आप अपन ही टैक्स पे करने लग गए तो क्या होगा जीवन में। यस चलो अच्छा, अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसके नीचे ना एक और पॉइंट लिखिए, कंपनी हैज अ ऑप्शन टू पे टैक्स एज पर 115 BAA/115 BAB, लिख देना उसके बाजू में फाइनेंस। Is that done? चलो हाँ जी, अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट 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 द थर्ड अमेंडमेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा थर्ड अमेंडमेंट। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी टैक्स, इनके लिए अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम लाई गई है, एनीवन सेक्शन 115 BAD। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, इस अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम को हम कहते हैं 115 BAD, कवर्ड अहेड, ये है आपको कवर्ड अहेड, राइट। तो टेक्निकली इंडिविजुअल के लिए, कोऑपरेटिव के लिए और कंपनी के लिए, तीनों के लिए आपके पास अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, लेकिन इसमें से पढ़ना आपको कितनी है, सिर्फ दो, क्लियर है मालिक, कंपनी का आपको फाइनल में पढ़ना है। यस तो जब आप मेरे साथ फाइनल में होंगे तब मैं आपको वो आराम से समझाऊंगा। अभी आते हैं इधर, कोऑपरेटिव के लिए टैक्स रेट्स क्या थे, कोऑपरेटिव के लिए टैक्स रेट्स क्या थे, याद करके देखो बेटा, कोऑपरेटिव के लिए टैक्स रेट्स थे ऑन द फर्स्ट 10,000 10%। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसकी पहले 10,000 के ऊपर टैक्स रेट कितना है बेटा, 10%। इनका नेक्स्ट 10,000 पे 20%, एंड जितनी भी बैलेंस इनकम है इस पे कितना बेटा, 30%। ठीक है मालिक, सो ध्यान से सुनिए, इनका टैक्स रेट था पहले 10,000 पे 10%, दूसरे 10,000 पे 20%, और बैलेंस के ऊपर कितना बेटा, 30%, HEC ऑब्वियसली एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ रुपए के ऊपर चले जाती थी तो इनका सरचार्ज रेट हुआ करता था 12%, है ना, प्लस HEC जो हुआ करता था ये एट द रेट ऑफ 4%। कहां बदल गया, सरचार्ज बदल गया। अब जो ये सरचार्ज है, पहले ये हुआ करता था 1 करोड़ के ऊपर 12%, अब ये सरचार्ज बदल गया, अब सरचार्ज हो गया 1 से 10 करोड़ के बीच में 7%
एंड अबाउ 10 करोड़ पे 12%। इन शॉर्ट अब इनका सरचार्ज लाइक डोमेस्टिक कंपनी हो गया। अमेंडमेंट समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना? राइट। तो पहले क्या हुआ करता था, कोऑपरेटिव का जो सरचार्ज रेट हुआ करता था, ये हुआ करता था 1 करोड़ से ऊपर गया तो 12%। अब इन्होंने क्या कर दिया है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के ब्रैकेट में 7%, अबाव 10 करोड़ ब्रैकेट 12%। अमेंडमेंट समझ में आ रहा है सभी को? अमेंडमेंट समझ में आया मालिक सभी को? मेरे को नहीं समझ में आया। टैक्स रेट बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मल टैक्स रेट, ऑल्टरनेटिव स्कीम, ऑल्टरनेटिव स्कीम हम पढ़ेंगे आगे। नॉर्मल स्लैब रेट, पहले 10,000 कितना परसेंट बेटा 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस के ऊपर 30%, इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती तो 12% हुआ करता था। अब इन्होंने इंक्रीज कर दिए सरचार्ज, डिक्रीज नहीं किए, इंक्रीज कर दिए। पूछो कैसे? अरे पहले 1 करोड़ के ऊपर कितना भी जाए 12% कॉन्स्टेंट था, अब 1 से 10 पे अलग और 10 से ऊपर अलग। So, 1 से 10 के बीच में 7%, 10 से ऊपर 12% एंड HEC रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर है? लिख लो बेटा। मस्त इसको लिपस्टिक लगाओ। अगेन डन है मालिक? तो ये था तीसरा अमेंडमेंट और आखिरी अमेंडमेंट इन द चैप्टर नंबर 1। 3 अमेंडमेंट हुए, मेरे को सिर्फ अमेंडमेंट याद दिलाओ। 1, 1, 2, अब सरचार्ज रेट उस पर लिमिट हो गया, ठीक है। दूसरा था डोमेस्टिक कंपनी का रेट 1920 से 2021 हो गया। तीसरा अमेंडमेंट था कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सरचार्ज है वो 7 एंड 12% पे आ गया, राइट। अब चौथा अमेंडमेंट की ओर हम आगे जा रहे हैं, चौथा और आखिरी अमेंडमेंट। सर आपने तो ये आखिरी बोला था? नहीं, मेरे को अचानक से याद आया इसमें भी अमेंडमेंट है, एक और अमेंडमेंट हुआ है एओपी। पहले मैं कुछ एओपी आपको याद दिलाता हूं तो आपको समझ में आएगा, राइट। जरा याद करके देखिए एओपी। हां जी सर, याद करके देखिए एओपी मतलब क्या होता है। पहले सिर्फ ये याद करके रखो, एओपी मतलब क्या होता है, व्हाट इज एओपी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या इसमें पर्सन और पर्संस दोनों रह सकते? यस। मतलब आप मुझे बताइए, क्या दो लोग मिलके, सपोज एक इंडिविजुअल प्लस दो इंडिविजुअल, दोनों मिलकर के एओपी बना सकते क्या, कि इसको आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलोगे? दो इंडिविजुअल मिलकर के अगर कोई एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर करे, क्या कह रहे, तो आप इसको यू नो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलोगे या एओपी बोलोगे? दीज आर कॉल्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा एसोसिएशन जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स हो उन्हें हम क्या कहते बेटा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब एक इंडिविजुअल है बराबर है, प्लस एक पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों मिलकर कोई जेवी करे, हम इसको क्या बोल सकते हैं, एओपी। ये पॉसिबिलिटी है बराबर है। मतलब एक एओपी में यू नो कोई भी कॉम्बिनेशन रह सकता है, बराबर है। अब समझिए अमेंडमेंट क्या है, अब समझिएगा अमेंडमेंट क्या है। सर अमेंडमेंट ये है, अगर कोई एओपी है, अगर कोई एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनीज ही है, मतलब दो कंपनीज ने मिलकर जेवी की है, दो कंपनीज ने मिलकर क्या किया, जेवी। अगर कोई एक ऐसा एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनी है, जिसके मेंबर सिर्फ कंपनी है, इनके सरचार्ज रेट में डिफरेंस आया है। इनके सरचार्ज रेट में क्या आया है, डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, इनके सरचार्ज रेट में डिफरेंस आया है।
मतलब एक ऐसी एओपी जिसके मेंबर सिर्फ कौन है, कंपनीज है। पहली बात कुछ याद दिलाता हूं, एओपी का टैक्स रेट क्या है याद करके देखो। एओपी नीचे करना, यहां लिखना जनरल, जनरल के नीचे अंडरलाइन करना, जनरल टैक्स रेट कौन से एप्लीकेबल है, एज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, एज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। मैंने जनरल के नीचे अंडरलाइन इसलिए करवाई क्योंकि एओपी को इंडिविजुअल के टैक्स रेट तभी अप्लाई होंगे जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आप जब मेरे साथ सीए फाइनल में होंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, एक चैप्टर है कॉल्ड एज टैक्सेशन ऑफ एओपी, एक चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ एओपी, वहां उसके कंडीशन समझने पड़ते हैं, एक पूरा चैप्टर है, हाल फिलहाल में नहीं समझना है। आप ये समझिए कि एओपी का भी टैक्स रेट क्या है, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। अब टैक्स रेट तो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हो गया, बराबर है, इस पे सरचार्ज रेट क्या हुआ करता था और आज भी है। अब यहां पे सरचार्ज रेट दो डिफरेंट हो गए, एओपी कंसिस्ट कंपनी एज मेंबर प्लस अदर एज मेंबर, मतलब इस एओपी में कंपनी भी है, मे बी फर्म भी है, इंडिविजुअल भी है, कोई भी अदर कॉम्बिनेशन है, कंपनी के साथ साथ कोई भी अदर उस एओपी में है। दूसरा, एओपी कंसिस्ट ओनली कंपनी एज मेंबर, आर यू गेटिंग द पॉइंट, जिसमें दो कंपनी ही मेंबर बनी है। फॉर एग्जांपल दो कंपनी पतंजलि प्लस आईटीसी मिलके कोई जेवी कर रहे, बराबर है। यहां का सरचार्ज रेट, यहां का सरचार्ज रेट आज भी 10 और 15 और 25 और 37 जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वो है, समझ में आ रही बात, एज इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। इनके लिए जो सरचार्ज रेट आया है ये फाइनेंस एक्ट 2022 में बदल गया। सर क्या ये मॉड्यूल्स में है, नया मॉड्यूल जो आया है खोल के देखो सब है, ठीक है, खोलना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2022 ऐसा एओपी जिसके मेंबर सिर्फ कौन है, मतलब किस एक जेवी बनाया किसने, आईटीसी प्लस पतंजलि, ऐसा जिसमें दोनों भी मेंबर कौन है, कंपनी, इनके लिए सरचार्ज रेट बदल गया, सरचार्ज रेट बदल गया। 50 लाख अगर इनकी इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ तक के जाती है, अगर इनकी इनकम 50 लाख से कितने तक के जाती है बेटा, 1 करोड़ तक के जाती है तो 10%, अबव 1 करोड़ रहती है तो 15%। द फोर्थ अमेंडमेंट। अब कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर सिर्फ अमेंडमेंट देख ले तो काम हो जाएगा क्या, समझ आ रहा है तुमको किधर किधर इंपैक्ट करेगा ये? Is that done, Prabhu? So there are a couple of students who are also connected from Pakistan and Dubai. Ekatvam Academy from India heartily welcomes you. Some people sitting over here, Pakistan mein bhi income tax hai? Hai. दुबई में नहीं है, बट देर आर सर्टन स्टूडेंट जो इंडिया या पाकिस्तान से है, वो आर रिसाइडिंग इन दुबई एंड दे कम टू इंडिया फॉर गिविंग द एग्जामिनेशंस, पर दुबई में इनकम टैक्स नहीं है। यस, अमेंडमेंट समझ में आया सभी को क्या हुआ है? अच्छा, ये अमेंडमेंट आपको नहीं लगता बहुत सब्जेक्टिव और सिलेक्टिव है? आई मीन ये सिर्फ उसी एओपी को कंसिडर कर रहा है जिसके मेंबर कौन होंगे बेटा, कंपनी। ये सिर्फ उन्हीं एओपी को कंसीडर कर रहा है जिनके मेंबर कौन होंगे, कंपनी, ये बाकी किसी को कवर कर रहा नहीं। सो अगर आप देखेंगे टैक्स रेट्स में चेंजेस है, कंपनीज के टैक्स रेट के ईयर वाले पार्ट में चेंज है,
राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज वाले पार्ट में चेंज है, एओपी बीओआई के कंपनी एज अ मेंबर वाले पार्ट में चेंज है। यस, पहले ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था, अब ऐसा क्लासिफिकेशन है, प्लस एचईसी रहेगा ही। तो ऐसा मत पूछना सर इसमें एचईसी नहीं आया, वो नहीं रहेगा क्या? रहेगा। यस, अब बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट समझ में आ रहा है? फर्स्ट 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20%, बैलेंस पे 30%। 115 बीएडी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लाया है, जो कितना टैक्स रेट देता है? 22%। आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो अमेंडमेंट आया है मेरे बुक में डाला है, ये समझ आ रहा है क्या? जरा बताइएगा। यस, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज फॉर एओपी विल बी 15%। क्लियर है मालिक? चलो आते हैं लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, मार्जिनल रिलीफ। आई एम श्योर ये एक बहुत ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत तकलीफ देता है कईयों को। ने तो अगर पढ़ना चालू किया होगा, बाद में जब सेल्फ पढ़ रहे होंगे तब समझो ये कब पढ़ाया टीचर ने, तो था ही नहीं कंसेप्ट में। ऐसा भी होता है, बट बिलीव मी ये बहुत इजी है। पर इसको समझाने के लिए मेरे को 2 मिनट आपके सामने फिर से अपनी एओ को लाना पड़ेगा। आप तो जानते हैं वो ब्यूटीफुल सी नार। चलिए कैलकुलेटर पे निकालिएगा, कैलकुलेट द टैक्स ऑन 50 लाख। कैलकुलेटर पे निकालिए, 50 लाख पे टैक्स निकालिए, 13,12,500 एब्सोल्युटली करेक्ट निकल गया पक्का। चलो 13,12,500 रुपए। इसमें सीधा सीधा एचईसी ऐड कर दूंगा जो भी आएगा, क्योंकि 50 लाख से ऊपर नहीं है सरचार्ज लगने वाला नहीं है, करेक्ट। इसका फाइनल टैक्स आता है कुछ 13,65,000। अग्रीड, ये हो गया 13,65,000। चलिए अब 51 लाख पे ये काम कर दीजिए, फाइनल टैक्स निकालिए इंक्लूडिंग एवरीथिंग। दैट विल कम टू 13,96,200 आफ्टर एवरीथिंग। यानी आपने इस पे टैक्स निकाल दिया, आपने इस पे सरचार्ज भी निकाल दिया, आपने इस पे एचईसी भी निकाल दिया। 51 में से पहले 10 गए, बचे हुए पे 30 प्लस 1 12 500 प्लस 10% प्लस 4%। गलत आ रहा है कुछ, तुमने गलत निकाला है। 15,35,820, ठीक है, दिस कम्स टू 15,35,820। Everybody, do you agree? Yes, online जितने बच्चे बैठे हैं सब ओके? हाँ, कुछ बच्चे सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हैं। बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर का सॉफ्ट कॉपी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर सब ज्वाइन कर लीजिए। यस, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि कल मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ पूरे फास्टैग वालों के लिए। यस, तो ये एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ इसका लिंक आज जब आप लेक्चर खत्म हो जाएगा ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब मुझे एक बात बताइए, जब मेरी इनकम 50 लाख रुपीज थी, मेरा टैक्स था 13,65,000 रुपए, दैट इज 13,65,000। डू यू अग्री? यस, हाँ या हाँ? बराबर है। मैंने 1 लाख रुपए से इनकम क्या बढ़ाई, मेरा टैक्स कितने से बढ़ा दिया आपने, जरा ये देखो, 1,70,820। 1 मिनट जरा सोचिएगा और एक आम इंसान की तरह रिएक्ट कीजिएगा, मेरी इनकम कितने से बढ़ी, मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया? मस्त, ये कौन से देश का न्याय है ये बताइए? मैंने कमाया कितना एक्स्ट्रा? 1 लाख। मेरा टैक्स कितना बढ़ गया? 1,70,000। आप पे कौन किस महान इंसान ने ये लॉ बनाया है? इमेजिन, तुमने 1 लाख कमाया, तुमको टैक्स देना है 1,70,000। समझ आ रही है बात? आदमी बोलेगा इससे अच्छा तो नहीं कमाता, एआई आएगी, ये बोलेंगे हाँ चलो लाओ तुमने 1 लाख रुपए से आधा कमाया, 1,70,000 प्लीज दोनों। आपको कुछ भी पागल हो गई, गेली छोरी मेरी बात सुन,
तेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने 1 लाख कमाया, तू मेरे से मांग रही है 1,70,000, एक बार का जान मांगते आधी रात में आ जाता, तूने टैक्स मांग लिया पागल। नहीं एक मिनट, आधी रात में कोई आने की जरूरत नहीं है, द पॉइंट इज मुझे ये 1,70,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात समझ, कमाया 1 लाख, इस पर टैक्स दू 1,70,000, नहीं ये कैसा लॉजिक है, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। अरे मैक्सिमम टैक्स रेट बाउलट, मैक्सिमम टैक्स रेट भी 30% है, ये 170% मांग रही तू मेरे से। नहीं देखिए लॉ ऐसा ही है, आप समझ नहीं रहे, दैट्स सरचार्ज इफेक्ट। नो देख इफेक्ट कुछ भी हो तू इधर मत बता, समझ में आ रही बात, इफेक्ट कुछ भी हो पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कमाया ही 1 लाख और देने कितने 1,70,000, लाला काय अर्थ है, ऐसा कोई लॉ बनता है क्या? इस चक्कर में तो आदमी दिखाए ना, उल्टा 1 लाख रुपए नहीं कमाता वो ज्यादा बेटर होता, वो हमेशा चिल्लाती रहती है तुम मुझे टाइम नहीं देते, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, मैं भी ये बोल रहा हूं इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। इनको समझ ही नहीं आ रहा लॉ क्या बना रहे, समझ आया क्या गड़बड़ है लॉ में? लॉ में गड़बड़ ये है कि जहां पे आप लिमिट से हल्का सा ऊपर जा रहे हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लाइटली आप ऊपर जा रहे हैं, तो आपका सरचार्ज के चक्कर में जो टैक्स आता है वो इनकम अर्नड के भी ऊपर चले जाता है। अंडरस्टैंड, आप टैक्स पेयर से 30% मांग रहे हैं, समझने वाली बात है, वो भी ज्यादा है, आप उसको क्या बोल रहे हैं, जितना कमाया वो भी दे, ऊपर से जेब से 70,000 और दे, वो आदमी क्या करेगा? आप मुझे बताइए, मेरे जैसा एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर क्या मैं, तुमको लगता नहीं मैं ऑनेस्टली टैक्स पे करता रहेगा? मेरे जैसा एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर, एक टैक्स मैन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ये व्यक्ति के साथ गड़बड़ क्या है? इस व्यक्ति के साथ गड़बड़ ये है, इस व्यक्ति के साथ गड़बड़ ये है, ये व्यक्ति क्या बोलेगा? ये व्यक्ति बोलेगा क्या मजाक लगा के रखे रखा, इससे अच्छा तो मैं नहीं दिखाऊं, वो 1 लाख नहीं कमाए हुआ बेटर होता, मैं मेरे घर पे जाता, घर पे जाके सुकून से बीवी बच्चों के साथ बैठता, दोस्तों के साथ घूमता, पार्टी कर लेता, ये क्या मजाक यार? नहीं आप जो समझे वो गलत समझे, ये क्या मजाक किया यार तुमने? अब ऐसे चीज ना हो, क्योंकि देखो ऐसे केस में अगर हुए जहां इनकम स्लाइटली कहा जा रही है सरचार्ज इंपैक्ट के कारण ऊपर जा रही है, जहां एक ऐसा इंपैक्ट आ रहा है जहां पे आपका टैक्स पेबल इज मोर देन इनकम अर्न, जहां आपका टैक्स पेबल इज मोर देन इनकम अर्न, तो ऐसे केस में मार्जिनल रिलीफ अप्लाई किया जाता है। 2-3 फैक्ट्स आपको बता दो। पॉइंट नंबर 1, मार्जिनल रिलीफ का कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि कौन सी जगह पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, आपको वो हर इनकम पे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा जहां पे आपका टैक्स इज नॉट एक्सीडिंग योर इनकम, वेयर योर टैक्स इज नॉट एक्सीडिंग योर इनकम, आपको ये हर जगह ये चीज करनी पड़ेगी। सो पॉइंट नंबर 1, द फैक्ट नंबर 1, देयर इज नो फिक्स लिमिट फॉर दैट मार्जिनल रिलीफ, दिस चेंज पर्सन टू पर्सन। पूछो ऐसा क्यों बोला मैंने, सरचार्ज रेट ही पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, तो मार्जिनल रेट, मार्जिनल रिलीफ भी हर एक के लिए अलग होगा। इससे क्या सीखे? दूसरा पॉइंट, मार्जिनल रिलीफ इज फॉर एवरी काइंड ऑफ पर्सन, मार्जिनल रिलीफ इज फॉर एवरी काइंड ऑफ पर्सन, मार्जिनल रिलीफ हर तरीके के पर्सन के लिए। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? यस। सो मार्जिनल रिलीफ हर तरीके के एसएससी के लिए है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्जिनल रिलीफ का कोई फिक्स लिमिट नहीं है। अब मार्जिनल रिलीफ निकालते कैसे हैं? सरकार ने इतनी अच्छी बात कही कि आपको लगेगा कुछ केसेस में ये रिलीफ है ही नहीं, मतलब लॉ बनाने वाले ने, आपको लगेगा ये रिलीफ है ही नहीं। अब जब सरकार को ये समझ में आया, सरकार क्या कहती है जरा ध्यान से सुनिए, यू कैलकुलेट अ टैक्स अप टू ₹50 लाख, 50 लाख पे आप जैसे टैक्स निकालते बिल्कुल वैसे निकालिए, तो 50 लाख तक का टैक्स आया 13,12,500, आपने खुद कैलकुलेट किया चेक कर लो, अरे हाँ 13,12,500 क्लियर है। इसमें ऐड कर दो आपने जितना एडिशनल इनकम अर्न किया, समझिए सर, कुछ लोगों को तो यही क्लिक हो गया ये क्यों गलत है, आपने जितना एडिशनल कमाया
वो ऐड कर दो, टोटल 14,500। अब इसमें डायरेक्टली HEC लगा दो, आपको क्या करने की जरूरत नहीं, सरचार्ज करने की जरूरत नहीं। 56,500, योर फाइनल आंसर कम टू 14,69,000। अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपको लगता है रिलीफ है? अभी भी हो क्या रहा है, जितना कमाया आप HEC लगा के 1,04,000 ही पे कर रहे हो। हेलो, 1,00,000 तो पूरा दिया, 1,00,000 पे 4% भी तो दे ही रहे हो, ये कौन सा रिलीफ हुआ? मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला हे बेब्स इधर मार, ये कौन सा रिलीफ है? वैसे मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, ये तमाचा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए था। इधर ये क्या किया है, 1,00,000 जो एडिशनल कमाया वो ले लिया। तो मैं कमाऊं क्यों तुम्हारे लिए? कोई सेंस है इस बात का, कोई रिलीफ है इसमें? इमेजिन क्या कर रहे हैं ये लोग, रिलीफ कहां है? देखिए बालों के साथ में मैंने क्लिनिक प्लस लगाया, वो अकेला ऐसा शैम्पू है जिसकी सुगंध आती है। तो नाउ द पॉइंट इज, आप पहले कितना पे कर रहे थे, 15,35,820, राइट? मैंने ये रिलीफ दिया, आप कितना पे कर रहे हो, 14,69,000। सी रिलीफ, को रिलीफ है ये? छोटी अमाउंट्स पे ये रिलीफ है ही नहीं। टेक्निकली जब आप 2 करोड़ 5 करोड़ के लिमिट्स क्रॉस करते हो ना, तब एक्चुअली ये रिलीफ बनता है, अदरवाइज ये रिलीफ नहीं है। समझिए बात को, यस? सो अगर मुझे 51,00,000 पे टैक्स निकालना है, देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, अगर मुझे कितने पे टैक्स निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज अगर मुझे 51,00,000 पे क्या निकालना है, टैक्स निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं लिखा ना अभी तक अपन ने, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं लिखा ना, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4, टैक्स प्लस मार्जिनल रिलीफ, टैक्स प्लस मार्जिनल रिलीफ, यस बराबर है। अब इसमें आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले निकालिए टैक्स ऑन 50,00,000, टैक्स ऑन 15,00,000 आया 13,12,500, ये आप ही ने कैलकुलेट किया हुआ है, प्लस ऐड कर दीजिए टोटल इनकम माइनस 50,00,000। अब आपकी टोटल इनकम कितनी थी बोलो, 51,00,000 माइनस 50,00,000, इसमें आप क्या कर दीजिए, ऐड बैक, तो आपका टोटल टैक्स कितना बन जाएगा, 14,12,500। अब इसमें सरचार्ज मत लगाइए, सीधा HEC लगाइए एट द रेट ऑफ 4%, इज इट 14,69,000? टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, दिस इज अ टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। बहुत हार्ड, समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइए, ऐसी कोई इसकी अपर लिमिट है क्या? आंसर इज नो, वी रियली नीड टू चेक एट व्हाट इनकम मार्जिनल रिलीफ स्ट्राइक्स, ऐसी कोई फिक्स लिमिट इसकी नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर 4.2, सपोज आपका टोटल इनकम है 1,02,00,000, अब निकालो
बोलो बेटा, स्टेप नंबर वन, टैक्स ऑन 1 करोड़, डू यू अग्री? टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, 1 करोड़ पे टैक्स निकालिए। जैसे आप नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही 1 करोड़ में से कितने लाख रुपए माइनस करेगा मेरा बच्चा? 10 लाख रुपीज बचे हुए पे 30%, तो आपका टैक्स आया 28,12,500। डू यू अग्री माई फ्रेंड्स? प्लस कितना ऐड करेंगे मेरे बच्चे, बोलिए जरा? 2 लाख। टोटल हो जाएगा 30,12,500। डू यू अग्री? अब इसमें सरचार्ज की जगह सीधा क्या ऐड करेंगे? अच्छी सी, कितने परसेंट के हिसाब से? 120,500। और आपका टोटल टैक्स आया आफ्टर मार्जिनल रिलीफ कितना? 31,33,000। आहा, बराबर ना? यहां पे लिखने का ऐसा मस्त कट करके अटेम्प्ट। अब बताओ गड़बड़ क्या करी? 50 लाख से 1 करोड़ तक का सरचार्ज किधर गया? एनहांस 15% वाला नहीं लगाओगे, पर वो जो 10% सरचार्ज है वो तो लेना पड़ेगा कि नहीं ब्रो? समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ कर रहे हो? जानबूझ के काटो, लिखो अटेम्प्ट, उसके नीचे लिखो मैं पागल हूं, उसकी शादी हो जाएगी। मामा, बुआ, ऐसा लिखने का मस्त। इज्जत का ने बाबा माजा लग्न करा, क्या गलती करी बोलो। जब आप यहां पे लिख रहे टैक्स ऑन 1 करोड़, टैक्स ऑल्सो इंक्लूड सरचार्ज, सरचार्ज कितने परसेंट से? हायर, 15 वाला नहीं लगेगा, 10 तो लगेगा कि नहीं लगेगा? भले इनकम 1 करोड़ के ऊपर जा रही है, 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज रेट कितना था? 15, पर आप एटलीस्ट 10 से तो निकालोगे क्योंकि वो मैंडेटरी हो जाता है। वापस करो, अब बताओ आपकी टोटल इनकम है 1 करोड़ 2 लाख, निकालो टैक्स ऑन 1 करोड़ इंक्लूडिंग सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। एक करोड़ में से माइनस करो बेटा जल्दी, चलो। निकालो बेटा जल्दी, हाँ ये कितना आ रहा है? 1 करोड़ में से
टेन लैक्स हटाए, बचे हुए पे 30% ऐड, 1,12,500, 28,12,500 प्लस कितना परसेंट बेटा? 10%, तो दिस कम्स टू 3,093,750 प्लस, इज इट 2 लैक्स? टोटल कम्स टू 32,93,750 प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4% जो भी आ रहा होगा. सो फाइनल आंसर इज 34,500. यस ऑर नो? दिस इज अ टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ. डू यू अग्री? एग्जाम्पल नंबर 4.3. एग्जाम्पल नंबर 4.3. 2.01 करोड़, 2 करोड़ 1 लाख. एक मिनट, पहले मेरा बच्चा मेरे को बताए 2 करोड़ 1 लाख, पहले क्या निकालोगे? टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस सरचार्ज कितने परसेंट से हिसाब से? एट द रेट ऑफ 15. हायर सरचार्ज नहीं लगेगा, अलोंग विद सरचार्ज ऑफ 15% प्लस आएगा क्या कुछ? टोटल इनकम माइनस 2 करोड़. डू यू अग्री? चलो निकालो फटाफट. दो करोड़ में से 10 लाख गए, बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500 प्लस 15%, दिस कम्स टू 66,84,375 प्लस 1 लाख. डू यू अग्री? 67,84,375 प्लस HEC एट द रेट ऑफ 705,750. डू यू अग्री? सो दिस इज योर टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ. समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताइए, ये जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, मतलब ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, 2 मिनट रुको. जरा तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाता हूं. किस्मत अच्छी रही तो अभी ही दिख जाएगा. वो भी है नहीं इसमें. ठीक है सर, ये जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ योर मॉड्यूल. ये जो प्रॉब्लम अभी आपने सॉल्व किया, दिस इज इलस्ट्रेशन 4 ऑफ योर मॉड्यूल. फाइनल आंसर इज 705,750 ओनली. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4. काइंडली सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर मॉड्यूल. योर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.01 करोड़. चलो हाँ, पहले प्रैक्टिस करो. बोलो, टैक्स ऑन 5 करोड़ प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25. जनरली 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितने परसेंट होता है? 37. पर यही आपको रिलीफ दे रहे, वो यहां पे आपको रिलीफ दे रहे. प्लस 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 टोटल इनकम माइनस 5 करोड़. चलो निकालो, मेरे को फाइनल आंसर बताओ. देखो मॉड्यूल का आंसर मैं आपको बता रहा हूं. दिस इज योर मॉड्यूल्स आंसर. आपका आंसर भी इससे मैच कर जाए तो अपने आप को बोलना वेरी गुड. दिस इज योर मॉड्यूल्स आंसर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर मॉड्यूल.
आपका आंसर भी 1,93,60,250 आ रहा है, तो अपने आप को प्लीज शाबाशी देना कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ गया। पर सीखने लायक बात क्या, मार्जिनल रिलीफ तभी अप्लाई होता है जब इनकम स्लाइटली सरचार्ज लिमिट के ऊपर जाती है या हायर सरचार्ज लिमिट के ऊपर जाती है। इज योर आंसर 1,93,60,250 यस और यस? बधाई हो साहब, बधाई हो। यस, शानदार। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, मार्जिनल रिलीफ आता है, बराबर है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, एक मिनट सुनो ना। सुनते हो अजी? सुनते हो अजी? सुनते हो? ये लो, इतनी देर से तुम ये कर रहे थे। समझ में आएगा तुम क्या कर रहे थे? अब फॉर्मूला पढ़ो, समझ में आएगा। 51 लाख है, बोलो फॉर्मूला क्या था? टैक्स ऑन 50 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 50 लाख, 1 करोड़ 1 लाख। बोलो फॉर्मूला क्या है? टैक्स ऑन 1 करोड़ अलोंग विद अ सरचार्ज ऑफ 10% प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। 2 करोड़ 1 लाख, बोलो क्या था? टैक्स ऑन 2 करोड़ अलोंग विद अ सरचार्ज ऑफ 15% टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। सेम यही फॉर्मूला था। लो जी सर, ये एज इट इज तुमने रिपीट कर दिया। इस बार मैंने तुम्हें पहले प्रॉब्लम कराया, बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ाया। यस, और ऐसा तुम हर असेसी के लिए करोगे, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, लोकल अथॉरिटी हो, फॉर्म हो। हालांकि एज यू ऑल नो, इंटर लेवल पे आपको सिर्फ इंडिविजुअल तक की चीजें रखी जाती है, तो बाकी के सरचार्ज का सिर्फ सुन, मार्जिनल रिलीफ का सिर्फ सुनना देखना छोड़ देना। जो पढ़ने लायक है वो सिर्फ इंडिविजुअल है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी खत्म होता है। चलिए यहां पे कुछ क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। एक सवाल है थ्योरी का, स्टेट एनी 4 instances वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर। किसकी बात चल रही है यहां पे? सोहम, नवंबर 22 एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था उसमें? हाँ, तो जीएसटी के अलावा कुछ दिखा ही नहीं था। ये 4 instances वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस। हाँ, सोहम क्या कर रहा था? इतने में कौन आई थी? शिप से कौन उतरी? शिप आई थी ना। हाँ हाँ, सुंदर गन्ना ने बोला मैं तुझे क्या बनाऊंगी? ये बोला दो काम करके आता, अपना सारा सामान, अपनी दुकान। जैसे ही वापस आया तुम मुझे छोड़ के इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा, गणपति से याद आएगा, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर। दूसरा, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ लिविंग, ट्रांसफर पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंट। 5 है, उसने कोई भी 4 लिखने बोले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अच्छा जी, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता हैविंग टोटल इनकम 1,02,00,000। आपने तो मार्जिनल रिलीफ के साथ निकाल दिया, आपको बताया नहीं पर आप यही सॉल्व कर रहे थे, आपको बताया नहीं पर आप यही सॉल्व कर रहे थे। इज दैट डन? ये एक लास्ट वाला बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एक बार ये समझ में आ गया पूरा का पूरा, ठीक है? यहां आपका चैप्टर नंबर 1 क्या होता है बेटा? ओवर। थर्ड डे यू कंप्लीटेड विद चैप्टर नंबर 1 अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम इन फास्ट ट्रैक। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर, फास्ट ट्रैक एंड रिविजन? अगर रिविजन है तो हम प्रॉब्लम्स गायब कर देते, उधर ऑल टाइम क्रश हो जाता, और हम ये अज्यूम करते हैं कि तुम्हें सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आप देखोगे टॉपिक वाइज रिविजन में ऑलरेडी यूट्यूब पे रहता ही है। यस, टॉपिक वाइज रिविजन में प्रॉब्लम्स हट जाते हैं, फास्ट ट्रैक के अंदर में प्रॉब्लम कम हो जाते हैं, और रेगुलर के अंदर में हर चीज के ऊपर डिटेल्ड प्रॉब्लम रहता। मतलब एक एडजस्टमेंट भी पढ़ाई तो एक प्रॉब्लम था उसके ऊपर। ये 3 बैच के बीच का डिफरेंस है ओवरऑल। Yes, आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जो आपको बोला, आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम कल के लेक्चर तक आपको मेरा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चनेयर खत्म करना है। आपको मेरा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चनेयर खत्म करना है, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चनेयर खत्म करके आना। दूसरी चीज 1-4 क्या बताया था मैंने, 1-4-5-6 इनको इन रजिस्टर सॉल्व करना है, और बचावा जितना है उसको क्या करना? ऑडिट।
क्योंकि तुमने बचे हुए एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व कर लिए, तो वापस उत्ता करने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ ऑडिट करना। एक बात समझिए, जब हम बुक बनाते हैं तो हो सकता है कोई गलती हो जाए, यस मैं भी ह्यूमन हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 100% करेक्ट हूँ। सो अगर कोई गलती मिलती है या आपको कहीं डाउट आता है तो प्लीज कम एंड से कि भैया सर ये लग रहा है क्या है, या तो मैं आपको उसमें से गलती बता दूंगा या तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया हाँ ये जेन्युइनली गलत है और हम उसे ये रेक्टिफाई करेंगे, तो मैं पब्लिक एट लार्ज को वो गलती बता पाऊंगा ताकि कोई और बच्चा ये गलती ना करे। तो ये चीज आप कर लीजिएगा। यस दूसरी जरूरी बात, कल से हम लोग क्या करेंगे, कल आते ही सबसे पहले हम लोग इसका टॉपिक वाइज रिविजन रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हम इसका टॉपिक वाइज रिविजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, ताकि ये सब्जेक्ट यहीं पे खत्म हो जाए। और कल से मैं नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ, नया टॉपिक का नाम है, अच्छा तुम्हें रेसिडेंशियल स्टडीज पढ़ने की इच्छा है ना, तो चलो ठीक है एक काम करते हैं रेसिडेंशियल स्टडीज चालू करते हैं, ताकि ऐसा स्लो तुमको जाने की इच्छा है अब भी स्लो चलते हैं नहीं ना, चलो कर लेते हैं बट रेसिडेंशियल स्टडीज ही करता हूँ मैं जानबूझ के कर देता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें उसका इंडिविजुअल तक के तो आता है, सेक्शन 9 नहीं आता राइट तो कल से हम रेसिडेंशियल स्टेटस चालू करेंगे। मेक श्योर सबके पास थोड़ा सा बुक्स हो तो ज्यादा बेटर है, तो आप लोग बुक्स वगैरह ले लीजिए, आपके जितने दोस्त होंगे आप उनको बोल सकते हैं प्लीज कम एंड सिट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाय बोलो बच्चों। यस जितने बच्चे ऑनलाइन है आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछिए। पहला सवाल, सर बुक्स नहीं आई, कल तो डिक्लेयर किया है, रुक तो भाई कल का एक बार वीडियो देख, हमने क्लियर बोला है 7 दिन रुको जरा, बुक वाला भी मेरे घर का नहीं है भाई। सिर्फ क्वेश्चनेयर ले सकते क्या, ले सकते हो सर। कौन सी वेबसाइट से खरीदे सर, ekatvamacademy.com से खरीद सकते हो, vlearnclasses.com से खरीद सकते हो, wowclass.com से खरीद सकते हो। यस सर फास्ट ट्रैक के साथ कौन कौन सी बुक लेनी है, फास्ट ट्रैक लीजिए, क्वेश्चनेयर लीजिए और चार्ट्स, ये तीनों का जो कॉम्बो है वो उठा लीजिए। यस सर क्वेश्चनेयर कब तक मिलेगा, मैक्सिमम 7 दिन। सर क्या फास्ट ट्रैक में सभी टॉपिक कवर होंगे, मैं पूरे टॉपिक कवर करने वाला हूं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे टॉपिक आएंगे। यस सर क्या आप क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ डाल सकते हैं क्या, डाल देंगे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। डन, ये लेक्चर अपने दोस्तों तक के फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है एक दिन के लिए इसे अपने स्टेटस पे जरूर लगाए, बस मेरे को यही फीस दे दे। यस क्या निधिश, मस्त मस्त, एक मिनट रुक।